नेट कर्मचारियों की हड़ताल और प्रदर्शन लगातार जारी है और आज उनकी हड़ताल का लोगों ने आप देख सकते हैं कि आज फिर एक अलग तरीके से नेट कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इन्होंने काले कपड़े पहनकर अपनी आवाज जो है सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। इसी तरीके से कई अलग अलग तरीकों से ये सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर चुके हैं, कभी हवन के जरिए तो कभी आर्दनंद प्रदर्शन करके। आज इन्होंने नया तरीका चुना है काले कपड़े पहन के अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने की। सबसे बड़ी मांग इनकी यही है जिसकी जो कैद पंजीकरण सरकार करने की तैयारी कर रही है, उस तैयारी से सरकार पीछे हटे और कैद का निजीकरण ना करें। पिछले 9 दिन से ये लोग इसी तरीके से यहाँ पर डटे हुए हैं। हालांकि सरकार से इनकी बातचीत भी हुई है, लेकिन जो बैठक सरकार से हुई है वो बैठक अभी तक बेनतीजा ही रही है। कोई समाधान जो है इनकी बातों का नहीं है। ये लोग इनके साथ बातचीत करने के लिए है। सरकार से आप लोगों की बातचीत बातचीत किसी नतीजे पर क्यों नहीं पहुंच पाई, क्या वजह रही? सबसे बड़ा रीजन यही है, कुछ ऑफिसर इतने भ्रष्ट है कि वो गुमराह कर रहे हैं दिल्ली मिनिस्टर लेवल के जितने भी मिनिस्टर हैं उनको भी, और इधर हमारा फ्यूचर खराब कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इनको ये रेगुलेशन मांग रहे हैं, हम इनसे कह रहे हैं कि ठेकेदारी प्रथा खत्म करो। जब मंत्री जी को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा हाँ भी कुछ तो लॉजिक है इसमें। उन्होंने क्रॉस मीटिंग हमारी कम से कम 4 घंटे चली रात के 9 बजे तक, और फिर भी कोई सलूशन नहीं निकला। जो आज 9 दिन हो गए काले कपड़े पहने ये मैसेज है, जो सरकार का सोया हुआ जमीर है जाग जाए, ये मैसेज देना चाह रहे हैं। मंत्रियों का सोया हुआ जमीर जाग जाए कि बच्चे देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं, आप क्या दे रहे हो उनको? कम से कम पैरोल पे दे लो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे क्या मांग रहे? 15 और 19 हजार ही तो मांग रहे हैं। गवर्नमेंट वो भी देने को राजी नहीं है, कह रही है नहीं हम ये सब नहीं कर सकते क्योंकि ये ठेकेदारों के हाथों बिक चुके हैं, बिल्कुल भ्रष्ट हो चुके हैं। ये चीज ये भी निकल के आ रही है कि सरकार ने नई तैयारी बिल्कुल कर रहे हैं जी, वो भी चोरी छिपे कर रहे हैं और गुजरात से मंगवा रहे हैं, और जहाँ जहाँ हमारे कॉन्टैक्ट है हमारी यूनियन है जिनसे हमारे अच्छे ताल्लुकात है उन्होंने मना कर दिया, अब इन्होंने गुजरात से मंगवाना शुरू कर दिया है। अभी आप देखना 2 दिन बाद ये विधानसभा से एम्बुलेंस चलाना शुरू कर देंगे, जब दिल्ली पुलिस भी मना कर देगी कि आप इनके साथ अत्याचार कर रहे हो। अब आप क्या करें? अभी हम तो आंदोलन जारी रखे हैं, कल से हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। कितने लोग? सारे बैठेंगे। अनिश्चितकालीन 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, 3 महीने की होल्ड की हुई है, चलाना मुश्किल हो जाता है। 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, कितना मुश्किल हो? देखिए जब कर्मचारी को अपना वेतन नहीं मिलता तो मुसीबत तो होती है, सभी अपनी निजी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए होता है। आदमी मेहनत करता है उसका मेहनत आना चाहिए होता है, तो ये हमारी जो मेहनत का पैसा हमें नहीं दे रहे हैं उसका हम पुरजोर दिल्ली सरकार का विरोध करेंगे। जब तक ये हमारी जो है मांगे नहीं मान लेते, हमारी पहली मांग है कि हमारा जो 3 महीने का बकाया वेतन है वो मिले हमारे को, और दूसरा ठेकेदारी प्रथा खत्म हो दिल्ली से, बिल्कुल जड़ से ठेकेदारी प्रथा हम खत्म करवा के रहेंगे, चाहे हमारे को भूख हड़ताल में बैठना पड़े चाहे हमें अनिश्चितकालीन पंक्शन करना पड़े। लेकिन सरकार ने अभी तक सुनी नहीं है आपकी बात, उसके पीछे क्या लग रहा है कि सरकार क्या चाहती नहीं है कि आपके मामले का कुछ समाधान निकले? सरकार का रुख जो है थोड़ा सा पॉजिटिव है, हमारी पिछले 4-5 दिन से मीटिंग चल रही है, हमारी यूनियन अध्यक्ष नरेंद्र राठौर जी जो है पूरे उनके संपर्क में है, और जल्दी हमारी हम चाहते हैं कि हमारी सुनवाई हो और हम कैट कर्मचारी जो है सारे सेवा पे वापस आए और जनता को परेशानी हो। जो कैट के कर्मचारी है वो काम पर वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन मुश्किल की बात यह है कि सरकार से इनकी कई दौर की बातचीत हो गई है लेकिन बातचीत का कोई सुलह मुद्दा नहीं निकला है, और अभी ऐसा लग रहा है कि इस मामले का कोई समाधान। जारी रहेगा और कल से इन लोगों ने एक बड़ा ऐलान भी किया है कि कल से ये लोग के साथ मुआवजे सारे पीछे बदला जय बना गए।